हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसमें टोटल 266 यानी कि 266 नंबर वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसमें कि BBTech और भी तमाम नॉन टेक की पोस्ट रखी गई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या होगी सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो देखिए, हमें HPCL की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डाटा पे साइट पर आ जाएंगे। और जो भी कल चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 2023 to 2024। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के दिन से ये स्टार्ट हो गया है, जो कि एक महीने तक आपको डेट होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जमशेद जी, टाटा रोड, मुंबई की तरफ से ही है। ये सारे इनके बारे में दिया गया है कि क्या क्या ये करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गया है, जिसका लास्ट डेट 18 सितंबर 2023 होने वाली है। इसमें कुछ रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस वाली, लेकिन जो BBTech 4 ईयर का आपको चाहिए डिग्री, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर में टोटल 57 नंबर वैकेंसी निकलने की आई हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स OBC, UR, EWS वालों के लिए। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा करके रखा मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर में और कौन कौन से ब्रांच आएंगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टोटल 16 नंबर वैकेंसी, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की टोटल 36 वैकेंसी, 25 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है सारे इसमें। सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 18 सीट रखी गई हैं, 4 ईयर का फुल टाइम का रेगुलर कोर्स किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की 43 नंबर वैकेंसी निकल के आई हुई है, 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए केमिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सीनियर ऑफिसर LNG बिजनेस, ये सारे में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस वगैरह लिए हैं वो देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर्स वालों के लिए, ना ही कोई गेट रिक्वायर्ड है, ना ही कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। देखिए, मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल में सिविल ही केवल ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल में केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। इसमें आप देख लीजिएगा जो भी नॉन टेक की रिक्रूटमेंट ये रखी गई है। जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री में है, तो जो भी सीटें हैं ऑल अदर पोजीशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर को छोड़ के मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। UR, OBC, EWS वालों के लिए 50% मार्क्स, SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है। प्लेसमेंट या फिर पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो पोस्टिंग या फिर असाइनमेंट कैन बी एनी SBU डिवीजन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री, एंड द सर्विस देयर आफ्टर विल बी ट्रांसफरेबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। दियर पोजिशंस में इन्वॉल्व वर्किंग इन शिफ्ट ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी में भी आपके ड्यूटी लग सकती हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट में आल्सो भी पोस्टेड या फिर असाइंड टू एनी ऑफ द सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर या फिर एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोबेशन पीरियड आपका जो कि 1 साल का होने वाला, उसके बाद बेसिक आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये हो जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए, तो UR, OBC, नॉन क्रिमिनल और EWS वालों के लिए टोटल 1,180 रुपये यानी कि 1,000 रुपये प्लस 18% GST के साथ आपको 1,180 रुपये पेमेंट करना होगा। जो भी करंट SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। जो भी इसमें एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, तो टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, वो वर्क एक्सपीरियंस के अंतर्गत काउंट नहीं की जाएगी टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पर career@hpcl.in पर आपका पोजीशन नेम लिखना है कि किस पोजीशन पर अप्लाई करना है, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपको career@hpcl.in पर मेल के द्वारा क्वेरी जान लेनी है। सो गाइज, एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।